हेलो, व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि YouTube के ऊपर आप जो है वो आपकी हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्राइवेसी के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। अगर कहीं आपने किसी बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए आपका फोन दे दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि उस बच्चे के हाथ में मोबाइल जाने के बाद आपके हिस्ट्री के अनुसार कोई गलत चीज उसके वहां पर रेकमेंडेशन में आए, जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर यूट्यूब की हिस्ट्री जो है वो इरेज करना हमें आना चाहिए। तो दोस्तों, वही कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। साथ ही साथ नीचे आपको एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर भी जरूर कर दे क्लिक, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब जो है वो मेरा अब खुल चुका है। यहाँ पर ये तमाम सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हिस्ट्री अगर आपको मैनेज करनी है तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये जो छोटा सा आपको फोटो दिख रहा है, बस यहाँ पर हम आ गए हैं। अब दोस्तों, आपको करना ये होगा कि यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर जो है वो दबा देना है। तो ये हम आ गए सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको आ जाता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, अभी पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज सर्च हिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन अभी देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें ऑफ है मेरी, तो मेरी सारी की सारी सर्च हिस्ट्री जो है वो भी अभी रिकॉर्ड हो रही है, और सारी की सारी वॉच हिस्ट्री जो है वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको इसको क्लियर करना है या डिलीट करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ से आप वॉच हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो अलग चीजें हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सर्च हिस्ट्री जो है वो आपको तब दिखाएगा जब आप YouTube के सर्च सेक्शन में कुछ टाइप कर रहे हो। तो यहाँ पर जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तब नीचे जो है वो आपने पहले क्या सर्च किया था वो सारे सजेशंस आना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी वॉच हिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपके जो नए वीडियोस हैं वो आपके टाइमलाइन पे सजेस्ट किए जाएंगे। तो मान लीजिए, पहले आपने कोई म्यूजिक वीडियो देखे हैं, तो जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक से रिलेटेड ही वीडियो जो है वो यहाँ पर सजेस्ट किए जाएंगे। तो ये काम करता है आपका वॉच हिस्ट्री, और सर्च हिस्ट्री आपका काम करता है कि आपने पहले क्या क्या सर्च किया था। तो मान लीजिए, इसमें से मुझे वॉच हिस्ट्री जो है वो उड़ा देनी है। यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि वॉच हिस्ट्री दिखे, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लियर वॉच हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर योर वीडियो रिकमेंडेशंस विल बी रीसेट, यू मे स्टिल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टिविटी ऑन अदर गूगल प्रोडक्ट्स, टू लर्न मोर विजिट माय एक्टिविटी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आपकी वॉच हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो माय एक्टिविटी में जा करके आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रोम पूछ रहा है कि क्रोम से ओपन करेंगे या ब्राउजर से, तो क्रोम से हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जो है वो आपकी वेब एक्टिविटी अभी ऑन है, इसको भी ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे गूगल के प्रोडक्ट पर जो भी कुछ सर्च करते हैं उसके बेसिस पर आपको आपके यूट्यूब के ऊपर कोई भी सजेशन नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास जरूर रहता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैनेज एक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है, सी एंड डिलीट पास्ट एक्टिविटी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पूरी की पूरी जो है वो एक्टिविटी है। ये सारे वीडियो जो है मैंने कल के दिन में यूट्यूब के ऊपर देखे थे। तो अब मान लीजिए, इसमें से कोई एक आध वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर अपने हिस्ट्री से गायब करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर मान लीजिए, ये वाला जो वीडियो है वो मैं अपने हिस्ट्री से निकाल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, वो वाला वीडियो जो है मेरे हिस्ट्री से अब डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है, ये पर्टिकुलरली अगर आपको कोई एक आध वीडियो आपके हिस्ट्री से गायब करना है तो उसके लिए काम में आता है।
लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी वॉच हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर देनी है, यानी कि डिलीट करनी है, तो फिर आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहां से आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये हम आ गए पीछे, यहां से भी हम पीछे जाएंगे और सिंपली यहां पर क्लियर वॉच हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मेरी वॉच हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। अब मेरी वॉच हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। सेम गोज विथ आपकी, अगर सर्च हिस्ट्री को आपको बंद करना है, यानी कि डिलीट कर देना है फॉर अभी के लिए, फॉर नाउ, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। सेम आपको जो है वो माय एक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है या डायरेक्टली क्लियर सर्च हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिलता है। तो आपको सर्च हिस्ट्री का भी बता देते हैं, चलिए फिर से चलते हैं वहां पे। तो ये देखिए, अभी इंक्लूड द वीडियोस दैट यू वॉच, तो अभी इसको मैं हटा देता हूं ताकि प्योरली आपको मेरी सर्च हिस्ट्री दिखाई पड़े। तो अभी देखिए दोस्तों, मैनेज योर एक्टिविटी। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्योरली मेरी जो है वो सर्च हिस्ट्री है, ये मेरी सारी सर्च हिस्ट्री है। अब इसमें से कोई स्पेसिफिक भी मैं डिलीट कर सकता हूँ और बाकी के रहने दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो, सेम चीज करनी है, यहां से पीछे जाना है एंड सिंपली क्लियर सर्च हिस्ट्री। तो इस तरीके से जो है वो आपकी सर्च हिस्ट्री को भी यहां से गायब कर सकते हैं और आपके प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।